हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। सिंथ म्यूजिका इंस्ट्रूमेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आइए, आज हम सीखेंगे नेशनल एंथम। जन गण मन अधिनायक जय हे। तो दोस्तों, ये इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है, ये एकदम बिगिनर लेवल का सॉन्ग है। इसे आप लोग तुरंत मेरे साथ ही सीख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों से एक विनती है कि वो इस व्हाइट बोर्ड पर देखकर इसे एक बार नोट कर लें। नोट करने के बाद में हम इसे तुरंत अभी सीखना शुरू करेंगे। इसमें बताने वाली बात कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी है, और मैं आपको जैसा जैसा बताता जाऊंगा, आप वैसा वैसा यदि नोट करते जाएंगे तो आपको ये सॉन्ग आसानी से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। हेलो, दिस इज मिलिंद डांगरे। मेरे पास में ये जो फ्लूट है वो है सी शार्प की। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये नोट कर लिया। आप चाहो तो मेरी फिंगर्स से मैं पहले आपको सुनाऊंगा। आप मेरी फिंगर्स को फॉलो करके वैसे भी सीख सकते हैं, और नहीं तो आप फिर नोट्स के थ्रू भी सीख सकते हैं। पहले मैं आपको बजा करके सुनाता हूँ, फिर मैं आपको इसको सिखाता हूँ। तो हम सुनते हैं जन गण मन। आइए मैं आपको तुरंत सिखाना शुरू करता हूँ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो देखिए, अब मैं आपको बोल के चलूंगा, सा रे ग ग ग ग ग ग ग ग ग रे ग म। तो कैसे बजाएंगे देखिए, सा रे ग ग ग ग, तो जन गण मन, देखिए फिंगर को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट है अधिनायक, तो अधिनायक, तीसरे बार का जो ग है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, है ना, कैसे, फिर जय है, रेगा मा, बहुत इजी है, बहुत ही बिगनर लेवल है दोस्तों, अभी आप सीख जाएंगे तुरंत। फिर भारत भाग्य विधाता, तो ग ग ग रे 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 नी रे सा, अब इसको ऐसे ही बजाइए जैसे मैंने बजाया, एक सांस में बजाइए और फिंगर्स से आवाज आना चाहिए, फिंगर्स उठाने से आवाज आना चाहिए। देखिए उसको कैसा नहीं बजाएंगे, ऐसा नहीं बजाना, आपको ऐसा नहीं बजाना, सिर्फ आपको ब्लो करना है और फिंगर खोल देना, नी रे सा, कंटिन्यूअस आवाज आएगा। फिर पंजाब सिंध गुजरात मराठा, अब देखिए कैसा है, सा प प प प प प ध प प म ध प, तो देखिए कैसे हो जाएंगे, सा प, उसके बाद प प प, फिर से प प, फिर से, अब एक काम कीजिए, इसमें प हम बहुत देर तक बजाते हैं, इसका मतलब कैसे बजाना है आपको देखिए मैं बताता हूं। पंजाब सिंध गुजरात,
जी जितने लेटर्स हैं उतने बार हमको प बजाना है, सिर्फ एक बार स बजाना है। देखिए ये हो गया पन, अब जा ब सिंध गुजरात तक प प ही बजेगा। देखिए बजाना गुजरात, एक एक नोट बज रहा है, फिर से समझा देता हूं। देखिए पंजाब सिंध गुजरात, उसके बाद में मराठा के लिए आएगा पमधप, पमधप मीन्स मराठा, मराठा, ठीक है। तो कैसा होगा, अब द्राविड उत्कल भंग, आधा खोलना है, आधे से भी कम खोलना है इसको, रे म ग, ग के बाद में डैश लगा है तो उसको एक मात्रा तक हमको आगे तक थोड़ा सा ज्यादा लंबा बजाना पड़ेगा। उसके बाद में विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, बहुत इजी, ग ग ग ग ग रे प प प म म, ग के बाद डैश लगाए तो ग को ग ग ग है ना, ऐसे बजाएंगे। फिर उच्छल जला देता रहूंगा, ग ग ग ग ग ग है ना, ग ग ग रे 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 मेरे सा, फिर सब बजाते हैं उसको विंध्य हिमाचल से लेके तरंग तक, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उसके बाद में दोस्तों तव शुभ नामे जागे, तो कैसा हुआ, सारे ग ग ग ग रे ग म, तव शुभ आशीष मागे, तो ग म प प ध प म ग रे म ग, कैसे बजाएंगे, तो तव शुभ नामे जागे से तव शुभ आशीष मागे तक, गाहे तव जय गाथा, तो ग ग रे 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 नीरे सा, उसके बाद में जन गण मंगल दायक जय हे, तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, जन गण मंगल दायक जय हे, मैंने यहाँ पर स लिखा है, इसकी जगह हम प से ही शुरू कर सकते हैं, जन गण मंगल दायक कैसा लगेगा, और वो एक्चुअली प से शुरू होना चाहिए, जन गण मंगल दायक जय हे, तो प से बजाएंगे तो पीछे प प प प से लेके पूरा बजाएंगे तो कैसा होगा, अब दोनों ढंग से बजा सकते हैं, दोनों ढंग से आपको सही लगेगा, वो ज्यादा सही लगेगा कि जब आप जन गण मंगल को प से शुरू करेंगे। देखिए भारत भाग्य विधाता, म म म ग ग ग रे म ग, फिर जय हे सा नी सा नी ध नी ध प ध सा सा रे रे ग ग रे ग म, तो दोस्तों इस ढंग से मैं समझता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि हम सारे ग म प ध नि सा के हिसाब से जन गण मन किस ढंग से बजाएं। दोस्तों इसे आप हारमोनियम पे बजा सकते हैं, कीबोर्ड पे बजा सकते हैं, आप इसे गिटार पे बजा सकते हैं, फ्लूट पे तो बजा ही सकेंगे, आप चाहे तो वायलिन पे भी इसे बजा सकते हैं,
तो दोस्तों ट्राई कीजिए इसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पे, क्योंकि मैंने आपको सारे इंस्ट्रूमेंट सिखाए हैं। आप मेरे चैनल को चेक कीजिए, और यदि आप चाहते हैं दूसरे इंस्ट्रूमेंट सीखना तो और मुझे बताइए, मैं आपको और लेसन्स दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, कीजिए प्रैक्टिस। और अभी 26 जनवरी का दिन आने ही वाला है, तो आप अपने अपने स्कूल कॉलेज और अपने अपने इंस्टीट्यूट में भी आप इसे बजा सकते हैं, चाहे जिस इंस्ट्रूमेंट पे। तो दोस्तों कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।